चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि जी साहब कट कैसे। हाँ बहन जी, हाँ नौ होता है जय भीम नौ होता है सर। आज सभी साथियों को वी द पीपल समन संघ से जुड़े हुए स्तर पर जुड़े हुए सभी पन साथियों बहनों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज को सुनना है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बस करूंगा। तो पहली बात है कि 20 जनवरी को हमने 73rd वा दिवस मनाया। उस वक्त संविधान के ऊपर मैंने जो बात की थी, मैंने बाबा साहब के 3 कोटेशन आपको बताए थे, वो 3 कोटेशन मैं दोहराऊंगा। और उसके बाद संविधान जो हमारा लीडर हम मानते हैं, क्यों हमारा संविधान लीडर हो सकता है, और हमने संविधान को अपना लीडर मानकर विद द पीपल का अगला काम करना चाहिए, इस बात पर मैं कुछ विचार रखूंगा। दूसरी बात, विद पीपल से जुड़े रहने के लिए संविधान का महत्व है, संविधान के हिसाब से चल जाइए। संविधान को क्या दिया, भविष्य में हमारी रक्षा कैसे संविधान करेगा, तो दायित्व तो कितना बढ़ता है कि हम संविधान को सुरक्षित रखें। सुधीर राज सिंह सर ने परसों कहा था 3 दिन कि विद पीपल का कंसेप्ट समझने का सबसे आसान तरीका, जो कि छोटे बच्चों को भी समझ में आता है, वो उन्होंने उदाहरण दिया कि छोटा बच्चा अगर वो रोता है और माँ उसको गोदती है तो उसका रोना बंद हो जाता है। मतलब वो संघ है, संघ में रहने के बाद उसको सुरक्षा मिल जाती है। तो यही बात हम जोड़ते हैं संविधान से, संविधान अगर हमारे साथ है तो हम सुरक्षित है, तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे। जैसा कि पिछले 70 साल में हम लोगों ने अपने आप को संविधान से नहीं जोड़ा तो हम खुद से नहीं जुड़ पाए, इसीलिए हम आज की स्थिति में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने क्या, बाबा साहब ने 2 कोटेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहे और 1 कोटेशन बाहर उनके व्याख्या हमको मिलता है। वी द पीपल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए असेंबली डिबेट का पाठ करते हैं या उसका वाचन करते हैं, समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब क्यों इतनी गंभीरता से बातें कह रहे थे। परसों मैंने बताया था कि बाबा साहब ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि आज की डेमोक्रेसी की हालत 1950 में तो आज भी वैसे के वैसी बनी हुई है। बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल व्हिच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल ऊपरी परत जैसा है, जैसे कि बारिश है तो पहला कुछ 2-4 इंच का जमीन का टुकड़ा ही हो। इसका मतलब है कि अंदर तक नहीं जाती, तो हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि ऊपरी ऊपरी परत तक ही उसका परिणाम गया है, और वो परिणाम सिर्फ उच्च वर्णीय लोगों तक, या जो लोग अपने आप को खुद को बड़े समझते हैं, अपने आप पे गर्व करते हैं और दूसरों को हमारे अधिकार शेयर नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों तक ही आज तक की हमारी डेमोक्रेसी गई। इसका बेनिफिट ऊपरी वर्ग के लोगों के तक, सवर्ण लोगों के सीमित है, ऐसा इस बात का बाबा साहब का कहना है। और वो कहते हैं कि विच इज इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक, ये लोकतंत्र के हिसाब से गैर लोकतांत्रिक है। बात हुई, याद रखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर 70 साल पहले बात कह रहे थे, 70 साल पहले जो उन्होंने भविष्य किया था उसका परिणाम आज भी वैसा ही बना हुआ है। आज की डेमोक्रेसी का हमको पूरा परिणाम नहीं मिला हमारे जिंदगी में, डेमोक्रेसी से जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल परिवर्तन आने चाहिए थे वो नहीं आए, मतलब आज भी बाबा साहब का कथन सच साबित होता है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी
कि बाबा साहब कहते कि ये डेमोक्रेसी की हालत है, ऊपरी ऊपरी तौर पर ही उसका परिणाम होता है, ऊपर ऊपर के लोग ही उसका बेनिफिट उठाते हैं और वो दूसरों को अंदर नहीं आने देते अपने सर्कल में। लेकिन वो कहते हैं कि इसका इलाज भी मैंने आपको दिया, वो इलाज का दिया है, तो बाबा साहब कहते संविधान मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप संविधान को कैसा सुरक्षित रखते हो, संविधान से आप कैसे सुरक्षित बने रहते हो। तो दूसरा कोटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेरली इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। भारत का संविधान वकीलों के हाथ का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का साधन है, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ, वाहन है हमारा जीवन जीने का, उससे चलने का। स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, उसका जो आत्मा तो हम नहीं मानते, इसलिए उसको सार कहेंगे, उसका सार है युगो युगो परिवर्तन करना। तो कौन सा परिवर्तन बाबा साहब चाहते संविधान से, ये दूसरा कोटेशन मैंने उसका। और तीसरा कोटेशन बाबा साहब का है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये बुद्ध धम्म का प्रतिनिधि है, जैसा कि एक सिक्का होता है, सिक्के का एक एक पहलू और दूसरा पहलू, एक को देख लो दूसरों को देख लो तो सेम होती है, 10 रुपए नोट देखो या 1 रुपए का कॉइन देखो और उसको दोनों तरफ से देखो तो उसका वैल्यू एक जैसा ही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान का जितनी अमल करोगे उतना ही बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कि भारत के संविधान की नींव ही बुद्ध आचार तंत्र पर, बुद्ध धम्म की आचार संहिता पर की है। जैसे कि उस दिन मैंने कहा था कि कोई रेजुलेशन ले आना, किसी रेजुलेशन पर चर्चा कराना, उसके ऊपर वोट कराना, मत से ठराव को प्रस्ताव को पारित कराना, उसके बाद उसको लागू करना, संसद के या विधान के नियम क्या होनी चाहिए इसका, ये सारा का सारा फिर बुद्ध धम्म की फिलोसॉफी से आता है, ऐसा बाबा साहब कई बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डे में कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारा युगों का परिवर्तन करने का माध्यम है। तो इसमें क्या ऐसी कि जो बाबा साहब ने हमें बताई है और हम लोग अभी तक उससे अनजान हैं, तो उसके इश्यूज मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि बात नहीं करनी है। तो पहला है कि इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेकुलर है, तो ये सेकुलर है और उसमें आर्टिकल 1 जो है, जो अनुसूची 1 आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इस देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है। लेकिन आजकल बात ऐसी नहीं होती है, बहुत सारे लोग इंडिया इंडिया नहीं लेते हैं, वो और ही कहते हैं, जो कि अनडेमोक्रेटिक है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस ऊपर हम ना सोचते हैं ना इसके ऊपर कुछ उपाय करते हैं, क्योंकि जितना हम सोचेंगे, जैसा कि बुद्ध कहते हैं कि मनोकुबंगम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्ने न भासति ततो न सुख मन्वेत्वी छाया वाहिनी। तो पहले सबसे पहले माइंड में हमारी सोच आती है, सोच के ऊपर हम गहराई से चिंतन करते हैं और उसके ऊपर कृति करते हैं, और जितनी कृति उतना परिणाम हमारे हाथ में आएगा। तो पिछले 70 साल में कितना संविधान की इस बेसिक चीजों के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो में असमर्थ रहे कि इसका नाम इंडिया दैट इज भारत है। लोग जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में, वो भी लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि बाप कहते हैं कि हमारा नेशन जो है ये सेकुलर है, कि नेशन नहीं बने, वी आर नॉट नेशन येट, हम लोग राष्ट्र नहीं बने हैं, वी आर इन द मेकिंग, बनने की प्रक्रिया में है, हमें राष्ट्र बनाना है। और राष्ट्र को बनाने साहब कहते हैं 3-4 बातें जरूरी है। कौन सी बात एक है कि जो राष्ट्र बनाने के लिए जो हर्डल्स है, जो बाधाएं है, वो कौन सी बाधाएं? तो सबसे पहली बाधा है कास्ट। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में कहते हैं कि कास्ट आर एंटी नेशनल, जाति ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, जब तक आप जाति की मनोभावनाओं को, क्योंकि कास्ट इज द नोशन
क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ मैन, जाति को, जाति का रोग मन को लगा हुआ है और इस रोग को जब नहीं हटाओगे तब तक तुम इस देश को देश या राष्ट्र के निर्माण नहीं करोगे। क्यों? क्यों आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समान समान, लेकिन क्या अभी हमें कानून के समान समान माना जाता है? अगर ऐसा जाता तो 2018 का 2 अप्रैल का आंदोलन हमें नहीं छेड़ना पड़ता। आर्टिकल 17 के आधार पर हमको एट्रोसिटी एक्ट का निर्माण था, इसका उपभोग हम लोग करते थे, लेकिन का उपयोग आपको उपभोग आपको देना ही नहीं है, ऐसा सत्ता में बैठी हो। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से हमारा कानून, हमको उस वक्त रोड पे और संघ के रूप में आना पड़ा। 10 लाख रोड पे आए, रस्ते पर आए, उन्होंने आंदोलन छेड़ा, डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हो जाएंगे। तो ये ताकत संघ की है, है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देता है। कॉन्स्टिट्यूशन को यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट इन वर्ल्ड, और दुनिया के करीब करीब 30-40 में भारत के संविधान को देख, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल को लेकर अपने अपने संविधान बनाए। अभी 4-5 साल पहले नेपाल का संविधान बना, श्रीलंका का संविधान बना, और ये जो सारे संविधान बन रहे हैं देशों के, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रावधान लिए जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का था यूएस में, उस वक्त जॉर्ज बुश को 51% वोट नहीं मिले थे, उसका उनका वोट का परसेंट 79 point something था, 76 और समथिंग। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब तक 50+ यानी 51 वोट नहीं मिलते तब तक प्रेसिडेंट ऑफिशियली, तो उस वक्त उनके यहाँ पे केस चली, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में केस चली गई और वहां पर डिबेट हुई, देखा गया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिकन जो बेसिक लॉज है उसमें प्रोविजन ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल है सोचा कि इसके ऊपर क्या इलाज होगा, किसी एडवोकेट जनरल ने या किसी लॉयर ने यह सुझाव दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में डिसीजन दिया, जिसके आधार पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका दुरुस्त होगा। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा ने जो तरीके बताए हैं वो केवल भारत की समस्या है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ही समस्या सॉल्व करते हैं, क्योंकि देश केवल संविधान तो सारे दुनिया के देश अपने देश और इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन और लॉज क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन के क्या डायरेक्टिव होते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। तो अमेरिका को भी हमारे संविधान के प्रोविजंस पर के लॉज के ऊपर सोचना पड़ा, और जिस पर वहां का तीसरी बात यह हुई कि जब हमारा संविधान बनने जा रहा था तब ये सोचा गया कि हमारा देश कैसा होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि अमेरिकन सिस्टम जो फेडरल, अमेरिका में जो 50 राज्य बने हुए हैं, ये 50 राज्यों में से उस वक्त जब 1776 या 78 में जब अमेरिका का निर्माण हुआ, आपके कुछ 16-17 राज्यों ने इकट्ठा कर यूएसए का निर्माण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और वहां पर एक बात हुई कि इकट्ठा यूएसए बना, देश बना। वही बात हमारे बोल रहे हैं कि ऐसा ही फेडरल स्ट्रक्चर हम हमारे देश का भी निर्माण का करें, लेकिन बाबा साहब खड़े हुए कहते हैं कि ये फेडरल नहीं है इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर ये होता था कि राज्य इकट्ठा आकर देश का निर्माण करते थे। बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पर किसी राज्यों ने इकट्ठा आकर देश का निर्माण, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत के संविधान ऑफ स्टेट संघ का है, तो यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। हालांकि बाबा साहब कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कभी फेडरल भी है, कभी यूनिट भी है, जब युद्ध होता है तो स्ट्रांग हो जाता है सेंटर, जब कानून इंप्लीमेंट करना है तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा की जो गरिमा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इसको ज्यादा वैल्यू दिया जाए।
तो उस वक्त बात आई कि इसका रचना कैसी करने की है, तो उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि इसमें से ये इसलिए है क्योंकि यहाँ राज्य को देश के बाहर जाने की मोहलियत नहीं है, अधिकार नहीं है। हमारे कंट्री में, इंडिया में जितने भी राज्य आए हैं, किसी भी राज्य के को यह अधिकार नहीं दिया कि अगर वो चाहता है कि इस देश से बाहर निकल जाए। व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई हुई, लोग जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि जो ब्रिटिशों के अंडर में जितने भी 45 स्वतंत्रता मिली, उसमें से 30-35 राष्ट्र जो है और उनके प्रोविजन को टूट से फिर से मशक्कत करनी पड़ी डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी लाने। लेकिन इंडिया में पिछले 70 साल से यूनाइट है, तो मतलब सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इसका मतलब बाबा साहब ने जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए है, इसीलिए जब तक भारत का संविधान रहेगा ना कोई राज्य इसमें से अलग, जो कि हमने 1983-88 है, खालिस्तान की डिमांड आई, नहीं करती उस राज्य को कि वो इस देश से अलग बन जाए, अलग हो जाए। तो ऐसा प्रोविजन है, इसीलिए ऐसे कई प्रोविजन है जो यूनिक फीचर्स है भारत के से, जो कि हमारे अधिकार को बनाए रखते, जैसे कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 5 तक हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा की है। आर्टिकल 15 में के आधार पर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इसके आधार पर हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते, ये 1956 नहीं था, क्योंकि मनुष्य शासन स्त्री को इतनी वैल्यू नहीं थी, महिलाओं को अधिकार ही नहीं देते थे, संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ करता था, और महिलाओं को स्वतंत्रता भी नहीं मिलती थी, महिलाओं को कई थे। लेकिन बाबा साहब ने ये अधिकार हमको दिए है, लेकिन उनकी हमें कोई जांच का कोई समय नहीं है, इसलिए पिछले 70 साल से हम इतना दुनिया का बेस्ट संविधान हो जो। तो फिर आगे का कौन इस संविधान की रक्षा करेगा, कौन इस संविधान की रक्षा कर खुद की रक्षा करने की कोशिश करेगा। तो ये जब तक हम हासिल नहीं करते कि जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होते, तब हार नहीं मिलेंगे, जैसा कि प्रयोग 2018 में हुआ था, हम लोग इकट्ठा आए और हमारे अधिकार को हम बचा पाए। ऐसी स्थिति है कि जो यूनियन बजट है, जो अभी 5 दिन में पड़ा है, अभी पिछले साल का बजट 30,42,000 करोड़ था, उसमें से रेजुलेशन साहब ने तो पास किया था रेजुलेशन की उसका ऑफ द जनरल बजट दैट शुड बी एलोकेटेड टू द SC ST। इसका 3,42,000 करोड़ का प्रोविजन SC ST के लिए हो जाना था, लेकिन पता है 72,000 या 74,000 करोड़ रुपीज। इसका मतलब हमदारी नहीं है, इसलिए हम ना तो खुद के फंडामेंटल राइट्स बचा पा रहे, ना तो हम हमारे सोशल डेमोक्रेसी बचा पा रहे, ना ही हम हमारे आर्थिक अधिकार बचा पा रहे हैं। ऐसी दुविधा में हम बने हुए, तो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अगर गहराई से इस बात पे सोचना है तो संविधान की सुरक्षा के लिए हमें सोचना, क्योंकि संविधान की सुरक्षा के लिए अगर सुरक्षित रहे, क्योंकि संविधान हमारा कवच है, वो हमें बचाता है, हमारे अधिकार छीन ले, वो हमें हमारी रक्षा करता है कि कैसे हम बच के रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे कई मुद्दे आएंगे आगे चल के, हम धीरे धीरे संविधान के महत्व को, संविधान से मिलने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, और गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट उस वक्त हम कितने सजग होकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं, और वो प्रेशर लाने के लिए हमारे बीच के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल जो साथी हमारे पॉलिटिक्स में काम करते हैं, संविधान का गहराई से अध्ययन करते हैं, करते तो 10% का रिजर्वेशन नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना तो फंडामेंटल राइट में, ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू हुआ।
हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से इसके आधार पर हमको आरक्षण था, लेकिन आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में और बढ़ोतरी में भी आरक्षण होने के बाद सारे के सारे नौकरियों के आरक्षण खत्म हो जा रहे हैं, हमारे एजुकेशन शिक्षा के अधिकार भी नष्ट हो रहे हैं। ये इसीलिए सारा कुछ हो रहा क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है, हम जुड़ते नहीं है, हम संघ नहीं है। जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भारत का जो है, भारत है, ये यूनियन है, ये संघ है। तो संघ में खुद का अपना बनाना पड़ेगा। जो लोग अपनी सिक्योरिटी के बारे में, एकता के बारे में और देश की एकता और अखंडता के बारे में गंभीर है, ऐसे लोगों ने आज के दिन में, आज के पल में इस बात पर अगर संविधान की रक्षा करें, हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। क्या कोई ऐसा इंसान है कि जो अपनी कौम को, अपनी अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को असुरक्षित रखना चाहता है, वो उसके ऊपर अटैक कराना चाहता है, उसको बेरोजगारी में ढकेलना चाहता है, उसका जीवन असुरक्षित रखना चाहता है? ऐसा कोई भी पिता या माँ नहीं है कि जो अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हो। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हमें दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं सोचते हुए हमको संगठित होना पड़ेगा। संघ के रूप में यूनियन ऑफ स्टेट जैसा, वैसा भारत का संविधान कहता है, वैसा ही हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। हमें गंभीरता से सोचकर एक आना होगा। इसीलिए हमारे बीच की जितनी भी दुराइयां हैं, जितने भी विवाद हमारे बीच में है, उन सारे विवादों को हमें जल्द से जल्द भूलना होगा। उसका एक उदाहरण यही है कि पिछले 5 मई से हम लोग इकट्ठा आकर क्या कर रहे हैं। हर दिन हम सोचते, बहुत गहराई से सोचते, खासकर सुधीराज सिंह सर और जितने भी कंसेप्ट बताने वाले हमारे साथी हैं, जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं हमारा माइंड। मुझे तो, मैं करीब करीब 6 महीने से जुड़ा हूँ, करीब मैं जुलाई अगस्त से जुड़ा हूँ, तो अपने आप को मैं बहुत ही विकसित महसूस पा रहा हूँ। मैं पहले इतना महसूस नहीं करता था कि जितना मैं संघ से जुड़ा हूँ। आप लोगों के साथ मैं अगर एक दिन भी बात नहीं करता हूँ या आपकी बातें नहीं सुनता हूँ तो मुझे कैसा कैसा होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कुछ खोया है आज के दिन में। तो दूसरे दिन या रात को सोते वक्त मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि आज मुझसे कुछ तो भी बात ऐसी हुई कि जो मुझसे छूट गई है। ये परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 8 महीने से हम यही सोचते कि विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम लोग एक संघ के रूप में खुद को विकसित कर पा रहे हैं। आप सोच कर देखो, सोचो आप कि मैं विद पीपल से जुड़ने से पहले खुद के बारे में क्या सोचता था। यहाँ पर जितने भी साथी है, अभी 328 साथी यहाँ पर है, ये सोच कर देखे कि विद पीपल से जुड़ने के पहले मैं जिस पहले दिन यहाँ पर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा परिचय क्यों नहीं दिया जा रहा है, लोग मुझे क्यों चांस नहीं दिया देते हैं कि मेरा परिचय दू। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो मुझे इन लोगों ने बोलने का चांस देना चाहिए। और मैं नॉन स्टॉप बोलता रहता हूँ और लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, ओके सर, फिर सर बाद में करेंगे, लेकिन मेरा ईगो इतना बना रहता है कि मैं समझता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग बात करने का चांस नहीं दे रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसा मैं 15 दिन 20 दिन तक कंसेप्ट सुनता हूँ, लोग डिस्कशन सुनता हूँ और लोगों का लगाव देखता हूँ विद द पीपल के साथ जुड़ने का, तो मैं धीरे धीरे अपने बीच का राग भी मिटाता हूँ, क्रोध भी मिटाता हूँ, ईर्ष्या भी मिटाता हूँ, मेरे बीच का जो अहंकार है वो भी कम कम होता जाता है। जैसे कि पद में कहे रजने का मल गर्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा हटाता है, वैसा भाई जो भी बहन विद द पीपल में जुड़ती है उसका है। उसका लगाव विद द पीपल से ज्यादा बढ़ता है, उसकी पद पैसा ये सारी बातें धीरे धीरे, और वो एक जागरूक इंसान के तौर पर यहाँ पर आकर खुद को एक विक्स महसूस करता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि आतापि संपजानो सतिमा, हमें क्या करना है तो आतापि संपजानो, इसका मतलब हमको तप करना है, मेहनत करना है, संपजानो यानी प्रज्ञा के साथ, सतिमा यानी जागृति,
मैं अगर विद द पीपल में जुड़ने के बाद मेरे मन को जागरूक रखकर प्रज्ञा से जुड़ता हूँ तो ही मेरा विकास होता है और तो ही मैं धम्म में परिपक्व हो जाता हूँ। मैं तथागत बुद्ध के धम्म के विनय से जुड़ जाता हूँ, मैं तथागत बुद्ध के धम्म के फिलोसॉफी से जुड़ा जाता हूँ और धीरे धीरे मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मेरे घर के, मेरे फैमिली के मेंबर है, मेरे बंधु है, मेरी सारी बहनें हैं। ये भाव मुझे विद पीपल से आता है। यही भाव अगर हम बढ़ाते हैं तो इसकी संख्या हमको बढ़ानी है। आज हम 333 है, 334 लोग यहाँ पर है। अगर कोशिश करेंगे तो आने वाले 1 महीने में हम लोग 1,000 होंगे, आने वाले 6 महीने में हम 1,00,000 हो जाएंगे, 1 साल में हम 1 करोड़ तक भी बढ़ेंगे। और जब 1 करोड़ लोग एक साथ एक ही तरह का विचार, एक ही तरह की सोच करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो इस देश का शासनकर्ता कोई भी रहो, वो आपको आपके आपके दरवाजे पर पूछने को आएगा कि विद पीपल के लोगों ये बताओ कि हम ये ऐसा ऐसा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर रहे हैं, ऐसा कानून ला रहे हैं, क्या ये उचित होगा, आपकी राय दो। ये ताकत हमको विद पीपल के समन संघ से आने वाली है। इसीलिए हमको गंभीरता से सोचना है कि क्या हमने विद पीपल के साथ जुड़ना है या इस फोरम को, इस संघ को छोड़कर मेरी कहीं और दूसरी जगह प्रगति होती है। इतनी अगर दूसरी और होती है तो आप हमें बताओ, हम आपकी दिशा से चले आएंगे। लेकिन जहां तक मेरा इंडिविजुअल विचार है, मुझे तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई चारा नहीं हमें हमें अगर हम इस रास्ते पर विद पीपल के विचार से, विद पीपल के इस फैमिली से, विद पीपल के इस परिवार से अगर नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य द्विधा है, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है, हमारे भविष्य में अंधकार ही अंधकार होगा। इसलिए हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा। इसलिए हमको जुड़ना है, खुद को जुड़ना है और हमारे साथियों को जोड़ना है, हमारे रिलेटिव्स को जोड़ना है, जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर जोड़ना है, क्योंकि विश्वास परम न्याति, विश्वास से सबसे बड़ा नाता, ऐसा तथागत कहते हैं। तो हम जुड़ेंगे, जीतेंगे और हमेशा के लिए सुखी रखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम सुख ही सुख बांटते जाएंगे। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम। जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good job.
feel.